जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी और फिर टी आर्मी रैली भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, टी ए प्रादेशिक सेना टी ए रिक्रूटमेंट ओपन रैली भर्ती 2020-21 का प्रोग्राम है, रैली शेड्यूल है, वो फिर से जारी हो चुका है। कौन कौन से जोनों में कितनी कितनी इस बार वैकेंसी और कौन कौन से सेंटर में आपकी ये वैकेंसीज आने वाली, इसको लेकर बड़ी खबर दोस्तों आपके सामने आ चुकी है इस वीडियो में। उसी के बारे में सारी चर्चा करने वाले, उसके साथ में दोस्तों आपके लिए एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी लेके आए हम। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जितने भी पहले इंडियन आर्मी और टी आर्मी के जो पेपर हुए, वो पेपरों का एक हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है, 50 प्रैक्टिस सेट का। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। अगर आप भी वो खरीदना चाहते हो तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो पहले आपके BRO, ARO, ZRO और आपके हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट जोन के जो पेपर आए, वो सारे पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले। दोस्तों, खास बात यह है कि इंडियन आर्मी और टी आर्मी में क्या होता है, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं, इसलिए अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को पढ़ के जाते हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आपका सिलेक्शन होना 100% निश्चित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% रिटर्न पास होने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक मतलब लाभदायक है वो यहाँ पर साबित होने वाले। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके ये पेपरों का जुगाड़ किया है, जिसमें आपके 50 प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे समय तक की सभी रैली भर्तियों के ARO, BRO और हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट के साथ में आपके ZRO की जो रिक्रूटमेंट रैली है, उन सभी के नोट्स हमने इकट्ठे करे हैं। पेपर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है वो इकट्ठे है, और उस प्रैक्टिस सेट में हमने निष्कर्ष ये भी निकाला है कि बार बार वो क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे मैथ के मान लो, चाहे GS के मान लो, चाहे साइंस के मान लो, कलर्क के भी हम पेपर आपको प्रोवाइड करवाने वाले। प्रीवियस ईयर के जो आपके कलर्क के क्वेश्चन है, वो भी सेम रिपीट होके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को, इन प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको आप खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए मैं बता देता हूं। दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट को खरीदने के लिए आपको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस का मैसेज करना होगा, नंबर मैं आपको बता देता हूं, 7426902098। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 7426902098, इन नंबरों पर ओनली फॉर आप व्हाट्सअप कर पाओगे, और व्हाट्सअप पे आप अपना एड्रेस है वो और आप अपना नाम है वो हमारे पास में व्हाट्सअप पे भेज दिए ना, ताकि हम उसका रजिस्ट्रेशन कर सके। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन प्रैक्टिस सेटों की फीस है वो अभी हमने निश्चित नहीं किए, लेकिन अगर आपको लेना है और आप सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो टाइम में हम आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उस टाइम आपको परचेजिंग रेट भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सेट है, आप जरूर खरीदिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टी आर्मी रैली भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टी आर्मी रैली के बारे में यहाँ पर बात करें तो आपकी टी ए रैली भर्ती होती है वो जोन वाइज होती है। दोस्तों, इसमें टी आर्मी रिक्रूटमेंट जोन फर्स्ट होता है, जोन सेकेंड होता है, जोन थर्ड होता है और जोन फोर्थ होता है। अलग अलग जोनों में अलग अलग राज्यों को शामिल किया जाता है, जबकि यहाँ पर बात करें कि जोन फर्स्ट में कौन कौन से राज्य है, तो दोस्तों जोन फर्स्ट में आपके राज्य आते हैं, वो आते हैं आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब स्टेट, यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली और चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, इतने राज्यों की जो भर्ती रैली होगी टीए की, वो एक साथ होगी, मतलब एक ही जगह होगी, तो यहाँ पर आपकी रैली भर्ती होती है वो जोन वाइज होती है, ये तो निश्चित हो गया। अब बात करते हैं जो टी आर्मी भर्ती का प्रोग्राम है वो कैसे होता है। दोस्तों, टी आर्मी का प्रोग्राम की बात करें तो ये आपके रैली का शेड्यूल है। इस बार भी दोस्तों पिछली साल की तरह वैकेंसी आपको बता दी गई है पहले टी आर्मी की तरफ से, कि आपकी 102 इन्फेंट्री बटालियन टी ए पंजाब है, उसमें टोटल 65 पदों पर आपकी भर्ती होगी और ये आपकी भर्ती चंडीगढ़ में होगी। वही दोस्तों, इस बार जो टी आर्मी की भर्ती होगी वो बहुत ज़्यादा सेंटरों में भर्ती होने वाली है, इसलिए आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस लॉकडाउन में बहुत ही कम अभ्यर्थी तैयारी कर रहे, अगर आप उन जो नोट्स है, उन प्रैक्टिस सेटों को अगर आप पढ़ के जाते हो, तो मैं 100% आपकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप उन सारे प्रैक्टिस सेटों को याद करके जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 103 इन्फेंट्री बटालियन TS सीकलाई में भी 68 वैकेंसी है, ये आपकी भर्ती होगी लुधियाना में, जबकि 176 इंजीनियरिंग रेजिमेंट है उसकी भर्ती होगी, उसमें आपके 68 वैकेंसी है,
और सोल्जर जीडी की 68 वैकेंट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 74 है। और ये आपके अखनूर जम्मू कश्मीर में आपकी रैली भर्ती होगी। 175वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट है, उसमें आपके 111 वैकेंसी है टोटल, और ये भी आपके अखनूर के रेस्पेक्टिव एरिया जम्मू कश्मीर में होगा। वही 173वीं इंजीनियरिंग टीए की है, उसमें 77 वैकेंसी है। हो सकता है दोस्तों ये आपके टीए की जो वैकेंसी इंजीनियरिंग रेजिमेंट की है उन सभी को मिलाकर आपके 500 या 600 की वैकेंसी एक साथ भी निकाल सकती है टीए। यहाँ पर आपके 105वीं इन्फेंट्री बटालियन राजरिप है, उसमें भी वैकेंसी है टीए आर्मी की, और ये आपके दिल्ली कैंट होगी, और यहाँ पर आपके 62-62 वैकेंसी है। तो ये आपकी टोटल ऑल ओवर वैकेंसी मिलाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके 2000 के लगभग वैकेंसी बनती है इंडियन आर्मी की। तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती है, मान आप इसे आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रनिंग और मेडिकल क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलने वाला है। खास तौर से 18 से 42 वर्ष वाले युवा है वो यहाँ पर किस्मत आजमा सकते हैं। दोस्तों ये आपकी भर्ती है अलग अलग है, यहाँ पर 150 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब है जिसकी भर्ती होगी आपके पालमपुर में, और यहाँ पर 88 वैकेंसी है। 152 इन्फेंट्री बटालियन सीकला है जिसमें 33 वैकेंसी है, ये भर्ती आपके लुधियाना में होगी। 156वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब है, इसकी वैकेंसी आपके 61 है, और ये आपके होगी दोस्तों मयूरवाला जम्मू कश्मीर में होगी यहाँ पर। और ये अलग अलग आपकी रैली भर्ती 157वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए की है, जो आपकी आपके साथ में जो 124वीं इन्फेंट्री बटालियन टीएससी का है उसकी दिल्ली कैंट में होगी। 159वीं इन्फेंट्री डोगरा है, उसकी स्पोर्ट स्टेडियम आपके डोडा में होगी, डोडा जम्मू कश्मीर में होने वाले। 161वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए जेकलाई है, जिसकी आपके गंटूमुला टीए भर्ती बारमूला में आपकी रैली भर्ती होगी। वही 160वीं इन्फेंट्री बटालियन जेक्रीप है टी आर्मी की, ये आपकी पैंजियम एलजी में होगी। वही बात करें 126वीं इन्फेंट्री बटालियन है जो माधोपुर पंजाब में होगी। 102वीं इन्फेंट्री बटालियन पंजाब है वो कालका में होगी। 163वीं इन्फेंट्री बटालियन है सीकलाई, वो आपके हेडक्वार्टर 10 सेक्टर आरआर हैदराबाद जम्मू कश्मीर में होगी। वही 162वीं इन्फेंट्री बटालियन वो जेकलाई रेजिमेंट सेंटर श्रीनगर में होगी। मतलब इसी प्रकार दोस्तों ये जोन फर्स्ट की रैली भर्ती मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जोन सेकंड में। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब आपका रिक्रूटमेंट आएगा तो उसमें यही बताया मिलेगा कि जोन फर्स्ट की रैली इतनी तारीख को है और इस सेंटर में भर्ती होगी। लेकिन आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन से जोन में आता है, हमारा स्टेट कौन से जोन में आता है। दोस्तों जोन फर्स्ट की मैंने बता दी है, जोन सेकंड की अगर बात करें तो जोन सेकंड में आपके आते हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है और छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, इतने राज्य हैं वो आपके आते हैं जोन सेकंड में। जोन सेकंड का भी रैली शेड्यूल आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो 151वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट रेजिमेंट की भर्ती होगी, जिसमें कुल मिलाकर 127 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी भर्ती होगी रांची झारखंड में। वही 108वीं इन्फेंट्री टीए महार की भी भर्ती होगी, जिसमें आपकी 14 जीडी की वैकेंसी है, वाटर कैरियर की 2 वैकेंसी, और ये आपकी रांची झारखंड में वैकेंसी होगी। जबकि यहाँ पर 114वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट की वैकेंसी फतेहगढ़ यूपी में भी होने वाली है। 108वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए महार है जो फतेहगढ़ यूपी में होगी। 120वीं इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार है जो भुवनेश्वर में आपकी रैली भर्ती होने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पूरा शेड्यूल चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे शेड्यूल से भी आपकी चर्चा बता देंगे। उससे पहले आप महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। यहां पर टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जोन थर्ड की बात करें तो आपको अपना राज्य ध्यान होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन से जोन में आता हूं, क्योंकि दोस्तों कई बार जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है सेना की तरफ से उसमें ओनली फॉर आपको जोन ही बताया रहता है। तो यहां पर जोन थर्ड में असम है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थी है वो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जोन थर्ड में ही शामिल किए जाते हैं। इनका भी रैली शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो 113वीं इन्फेंट्री बटालियन राजपूत रेजिमेंट की भर्ती होगी। मतलब इस बार की जो वैकेंसी रैली शेड्यूल है उसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों जोन फर्स्ट, जी हाँ दोस्तों, जोन फोर्थ है वो काफ़ी बड़ा है, और राजस्थान, यहाँ पर बात करें तो आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दमन और दमन दीव के साथ में आपका दादर नगर हवेली और गोवा और लक्षद्वीप और पुडुचेरी के अभ्यर्थियों को भी जो जोन फोर्थ है उसमें ही शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी लंबी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी आप जैसा कि देख सकते हो अलग अलग आपके 123वीं इन्फेंट्री टीए है, ग्रेनेडियर है, मद्रास रेजिमेंट है, ग्रेनेडियर, गरुड़ है, मराठा है, और साथ में ग्रेनेडाइज के साथ में गरुड़,
आपके ग्रेनाइड है, पेरा है, पेरा एसएफ है, मराठा है, मतलब इन सभी सेंटरों में आपकी रैली भर्ती होने वाली, और ये भी काफी लंबी भर्ती है दोस्तों। यहाँ पर 18 से 42 वर्ष के युवा लेंगे भाग, और 160 सेंटीमीटर हाइट वाला अभ्यर्थी भी सेना में भर्ती हो पाएगा सोल्जर जीडी की पोस्ट में। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप सेना रैली भर्ती में जाना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं दोस्तों जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो तैयारी नहीं करते थोड़ी बहुत भी, और वो रिटर्न में रह जाते हैं, और नेक्स्ट वैकेंसी में वो रनिंग नहीं क्वालिफाई कर पाते। अगर दोस्तों आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो तो आप उन नोट्सों को अगर पहले ही आज से ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के पेपर है, आप खरीदना चाहते हो तो मैं आपको नंबर फिर से बता देता हूँ, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन होने वाले अभ्यर्थियों को ही वो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नंबर है दोस्तों 7426902098। जी हाँ दोस्तों, ये आपके नंबर है, आप इन नंबरों पे हमारे पास में मैसेज कर सकते हो ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। साथ में मैं कमेंट के पहले कमेंट में आपको जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।